नमस्कार, मैं हूं सौलभ जी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करेंगे खबरों का। यूपी के संत कबीर नगर जिले के सेमरियावा ब्लॉक के तैनोहरी दोयम गांव में राती चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री अनुपम जायसवाल ने 11 महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिए। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार की तमाम योजनाओं का जनता को पता नहीं है, इसलिए चौपाल और रात्रि प्रवास करके कई योजनाओं को गरीब जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे गरीब जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। भारत सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं का कितना लाभ लोगों तक पहुँचा है, इन लोगों तक लाभ पहुँचना बाकी है। ऐसी तमाम योजनाएं होती हैं जिनको गांव की गरीब जनता जान नहीं पाती। इस नाते इस तरह से चौपालों के माध्यम से और रात प्रवास के माध्यम से तमाम तरह की जो योजनाओं का लाभ है जनता तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। और जो अभी भी योजना के पात्र हैं और तब दुष्कर्मता के कारण भी लाभ नहीं पहुँच पाया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके ढूंढ के उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास होता है। संत कबीर नगर से अमित कुमार पांडे की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुड़की के रामनगर में नगर निगम की जमीन को कब्जाने का मामला सामने आया है। कुछ दबंग लोगों ने निगम की भूमि पर बाउंड्री करने की कोशिश की, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे निगम के अधिकारियों ने निर्माण को रुकवाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। नगर निगम के मेयर यशपाल राणा का कहना है कि निगम की भूमि पर किसी का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। कुछ लोग इस भूमि को खुदबुर्द करके मोटी रकम वसूलना चाहते हैं। भूमि की जांच SIT से कराई जाए तो पूरा मामला सामने आ जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए। पूरा मामला ये है, इसमें एक प्रॉपर्टी है रामनगर, निगम की जमीन लगभग 12,000 फीट दाब रखी है, मौके पर जो खाली पड़ी है वे कहते हैं जमीन हमारी है। जब मैं पाकिस्तान से आए तो मैं ममालिक 2600 फीट के होंगे, 15,000 फीट के मालिक नहीं होंगे। अभिलेख उनके पास कुछ नहीं है, अभिलेख उनके पास सिर्फ एक 3626 फीट का अभिलेख है। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। पंजाब के मोगा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने विश्वकर्मा भवन के पास से रविवार की रात को अगवा किए गए 18 साल के त्रिभुवन पत्रकार के लड़के को बरामद कर लिया है। पुलिस ने उसे जिला मोगा के कस्बा बढ़नी की नहर के पास से बरामद किया है, जिसके साथ काफी मारपीट की गई है। पुलिस ने त्रिभुवन को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं त्रिभुवन के बताने के अनुसार इस अगवा कांड में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। टाटा गड्डी सी EV 31 नंबर, तो वह मैनू धक्के ना पा के जो मैं भजन लगी उन्होंने मेरे तुई तो फैर मारिया, तो जो मैं दोबारा भजन लगा उन्होंने रिवाल्वर खोलिया तो उन्होंने 5 जने से 2-3 ने मैंने मगरों फड़ के तो मैं गड्डी पड़ा, तो उ रिवाल्वर पुट्ठा करके मेरे सिर च मारे तो मेरा खून निकल लग गया। तो इन्ने बच्च इन्होंने पूरी गड्डी तेज पूरी तेज कर ली, दोनों टायर एक पासों चके गए तो पूरी तेज पता नहीं किधरों किधर लै गए, तो चड़ैक रोड से मेरा फोन बंद करता इन्होंने, उतों बाद मेरी अखा के कपड़ा बाता, उदू बाद रब ही जाता की होया। उदू बाद मैनू ये हिंदी बोर्ड लभे पॉलिसी बहुत वधिया मेरे हिसाब ना राज सीगा हरियाणा, उदू बाद मैंने सरसे लै गए, ये सरसे मैंने किसी की मोटर पर एक दिन रखे इन्होंने, उदू बाद मैं अगले दिन लै गए ये हरियाणे, तो रात में लै गए राजस्थान, दोपहरे राजस्थान लै गए, तो उत्थे रेतला सी तो रेता से बाली गर्म नंगे पैर भी आते तो उत्थे फिर आह 2-10 उत्थे तुड़े इन्होंने, 2-10 एक दिन पहला तुड़े 2-10 उत्थे तुड़े, तो रात में फिर मैंने कुटिया। सट्टा बहुत ज़्यादा कुटमार हुई है जी, 4-5 दस्ते कई तोड़े वह बहुत ज़्यादा मतलब कि जख्म जुख्म बहुत फ्रैक्चर भी है, पैर भी सिरे भी लगे मेरे पास, बद्री नहर तो है अपने मोगे जी पुलिस प्रशासन है, मैं सब तो पहला उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मेरा इन्ना सहयोग किया, जो मेरे बेटे ने उन्हें लभ के साथ हवाले किया, दूजा ना तो सारे पत्रकार भाईचारे का तय तुम धनवादी हाँ जिन्होंने मेरे नाम मोटा मोटा ला के मेरे बराबर मेरी फुल मदद की, सब का धन्यवाद। मोगा से तन्मय समानता की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी, देन आई फाउंड manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1,00,000 से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें
मैच करें और manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglix.com, use promo code nation1. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के बुलंदशहर में अलग अलग जगहों से 3 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने गर्भवती महिला की सिरकटी लाश सहित 3 शव बरामद की हैं। पुलिस का दावा है कि सिकंदराबाद में एक युवक की मौत सड़क हादसे में हुई है। वहीं पुलिस सिकंदराबाद में गर्भवती महिला की हत्या में मृतका का सिर अब तक बरामद नहीं कर सकी है। बुलंदशहर के जहांगीरबाद में भी पुलिस ने देवी मंदिर से युवक का शव बरामद किया है। तीनों ही हत्याएं बहुत ही निर्ममता से की गई हैं। वहीं 3 शवों को देखकर बुलंदशहर पुलिस के भी होश उड़ गए। वहीं बुलंदशहर पुलिस का कहना है कि जहांगीरबाद मंदिर में शव मिलने के मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो सुबह सिकंदराबाद में एक हाईवे के किनारे डेड बॉडी मिली थी, वो प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल है, उसकी पहचान कराई जा रही है। दूसरी, सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में एक सरकटी महिला की लाश जंगल से बरामद हुई है। वो महिला देखने में लग रहा है जैसे प्रेग्नेंट है, लगभग 28-30 साल के बीच की उसकी उम्र है, उसकी भी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा, जहांगीराबाद में एक मंदिर के पास जो डेड बॉडी मिली है, उसमें रात में वो लड़का जिसके साथ गया था, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। जो अज्ञात शव हैं, इनके पहचान का प्रयास किया जा रहा है। बुलंदशहर से यतीन शर्मा की रिपोर्ट। खबर रुड़की के भगवानपुर से है, जहां 3 दिन पहले हुए भगवानपुर क्षेत्र के लावा गांव में एक ही परिवार के ट्रिपल मर्डर के बाद इलाके में दहशत और गम का माहौल पैदा हो गया था। और आज उसी मृतक राज सिंह की बड़ी बेटी की बारात आई, जिसमें सिर्फ 5 लोग ही आए। सभी गांव वालों ने खुद खड़े होकर कन्यादान किया और सभी ग्रामीणों ने नम आंखों से मानसी को विदाई दी। वहीं गाँव में इस खुशी के दिन भी गम का साया पसरा रहा। ऐसा ना हो तो अच्छी धूमधाम के साथ शादी, बहुत ही अच्छा खाना होता, टेंट लगता, सभी कुछ होता। मतलब दुर्घटना की वजह से कोई भी काम पूरा नहीं हो सका। भगवानपुर से मिर्जा वसीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामला कोतवाली मल्लावा इलाके का है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 बाइक सहित कई फर्जी कागजात भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी चोर कानपुर, लखनऊ और उन्नाव से गाड़ी चुराते थे और उनके फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें बेच दिया करते थे। सूचना मिलने पर मल्लावा के कस्बा चौकी के पास से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये थाना मल्लावा पुलिस के द्वारा जो है वाहन चोरों का एक गैंग पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से कुल 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और 3 अभी पकड़े गए हैं, 1 फरार है। ये टच करने पर जो जानकारी हासिल की है, उसके हिसाब से कानपुर से ये वो मोटरसाइकिलें चोरी करके और लखनऊ से चोरी करके लाते थे। इसमें कानपुर की 8 मोटरसाइकिलें और लखनऊ की 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभी इसमें एक मुख्य चोर बरामद पकड़ा नहीं गया है, उससे भी कुछ मोटरसाइकिलें बरामद होने की उम्मीद है। हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।